गेहूं और आटे के दामों में तेजी को लेकर चिंतित कारोबारियों को रबी सीजन के बुआई के आंकड़े राहत देते दिखाई दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर तक देश में रबी की फसलों की बुआई का सर्वेक्षण जारी किया गया है, जिसके अनुसार रबी की कुल बुआई में देश में इस वर्ष 358,59,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। यह बीते वर्ष समान अवधि के मुकाबले 7.2% ज्यादा है। रबी की बुआई में सबसे ज्यादा वृद्धि गेहूं और सरसों में दिखाई दी है। अहम बात यह है कि गेहूं की सबसे ज्यादा बुआई मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। बीते वर्ष इसी अवधि में 138,35,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस वर्ष 152,88,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हो चुकी है, यानी 10.5% रकबा अब तक बढ़ चुका है। इससे भी सबसे ज्यादा गेहूं का रकबा मध्य प्रदेश में हुआ है। प्रदेश में कुल 6,40,000 हेक्टेयर में गेहूं का रकबा इस साल बढ़ा है। इसी तरह सरसों का रकबा कुल 70,89,000 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है। बीते वर्ष यह 61,56,000 था। इस साल अब तक बाजार में गेहूं आटा के दाल उच्चतम स्तर पर फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। आटा मिलों के अनुसार मंडियों में गेहूं की आवक कम है, ऐसे में आटा मिलों को भी आवश्यकता पूर्ति का गेहूं नहीं मिल रहा। महंगा होने के कारण आटा भी महंगा है। बीते दिनों मिलों के संगठन ने सरकार से सरकारी गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की मांग भी रखी थी। अब बुआई के आंकड़े से उम्मीद जागी है कि इस साल गेहूं का स्टॉक जो सबसे कमजोर स्थिति में है वो अब बढ़ सकता है। नई फसल के साथ ही स्थिति बेहतर हो जाएगी। मार्च में नए गेहूं की मंडियों में आवक शुरू हो जाएगी। ऐसे में अच्छी बुआई के कारण अब किसान और स्टॉकिस्ट पुराना गेहूं निकालेंगे, लिहाजा बाजार में अब गेहूं की बढ़ती कीमतों पर नई फसल के बुआई आंकड़ों का दबाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में उपभोक्ता और आटा मिलों को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जागी है। आटा मिलों के अनुसार मंडियों में गेहूं की आवक कम है, ऐसे में आटा मिलों को भी आवश्यकता पूर्ति का गेहूं नहीं मिल रहा। महंगा गेहूं होने के कारण आटा भी महंगा मिल रहा है। बीते दिनों मिलों के संगठन ने सरकार से सरकारी गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की मांग रखी थी। ऐसे में अब उम्मीद जागी है कि आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतों में फिलहाल कमजोरी देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।